में, ठीक है। मैंने इनमें सिर्फ तुम्हें नाम नाम बताने हैं हेडिंग, क्योंकि हम ये बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं। एनिमल्स कैन नॉट, अगर विटामिन्स की हम बात करें तो जो एनिमल्स हैं उन्हें हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या है, एक डाइट चाहिए जिसमें प्रॉपर सारे के सारे न्यूट्रिशन और जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब जो एनिमल है उनका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, अगर वो सिर्फ डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सारे टाइप के न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होने चाहिए। दे आल्सो रिक्वायर्ड विटामिंस एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द रेंज ऑफ मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। अभी तक हमने बात करी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट है, ठीक है, लिपिड भी इंक्लूड कर सकते हो, ये जो है हमारी बॉडी यूज करती है एज अ फ्यूल, तो ये हमें काफी अमाउंट में चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें मिनरल्स की और विटामिन्स की, तो ये क्या है, हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जिनको हम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में लेते हैं। जो विटामिन्स है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोएंजाइम एक्ट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज कर सकती हैं। जो इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो वाले होते हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं कर पाती है ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो क्या होते हैं, या फिर अगर वो सिंथेसाइज होते हैं तो वो सफिशियंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं कि बॉडी जो है वो अपना काम चला सके। दैट्स वाई वो जो हमें फूड से लेने होते हैं, इसीलिए इन्हें इसेंशियल वर्ड यूज करा गया। हमने अमाइनो एसिड्स में भी देखा था, अमाइनो एसिड जो थी सॉरी इसेंशियल और जो नॉन इसेंशियल थे। वाइटामिन्स की जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि वाइटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं, मेंटेन करते हैं एपिथेलियम टिश्यू को, सपोर्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को। और अगर वहीं पर हम बात करें रिजल्ट, अगर मतलब क्या रिजल्ट होगा अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, एब्सेंस होती है, तो क्या होगा, ह्यूमन के अंदर स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, हाई ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या है, ड्राई कॉर्निया होता है, ठीक है, कोई भी टियर सिक्रेशन नहीं होता है आई से। और अगर हम बर्ड्स में बात करें तो इसके अंदर क्रोप डिजीज हो जाती है। ये तो था विटामिन ए। अब है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, अब्सॉर्प्शन ऐड करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम को या फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर या ह्यूमन अडल्ट के अंदर क्या होती है, कोज करती है बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया, स्पेशली इन एशियन वुमेन्स रिकेट्स होती है, बोन डिफॉर्मेटीज होती है। मतलब बेसिकली जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो क्या करती है, बोन्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन ई या फिर टोकोफेरोल, प्रिवेंट करती है डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन एंड ब्रेक डाउन ऑफ विटामिन ए एंड फैटी एसिड्स, एसिड्स एज एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करती है। नर्वस सिस्टम की डिजनरेशन हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाती है मेल फॉल्स के अंदर, और रेट्स के अंदर क्या होती है, स्टरिलिटी कॉज कर देती है, यानी कि आगे वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, फर्दर वो अपनी जनरेशन को नहीं चला पाते हैं, स्टराइल हो जाते हैं रेड, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। देन विटामिन के इसेंशियल फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, या फिर लीवर के अंदर, या फिर जो इनका मेन फंक्शन है वो है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड फेल्स टू क्लोट और ब्लड क्लोटिंग इज डिलेड, मतलब क्या है, ब्लड जो है या तो उसके क्लोट बन ही नहीं पाएंगे या फिर जो ब्लड क्लोटिंग है वो डिले हो जाएगी, मतलब कि जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो क्लोट्स नहीं बन पाते हैं। नाउ विटामिन B1 थायमिन इन ह्यूमन एज को एंजाइम इन्वॉल्व इन द मैनी पाथवेज, जैसे कि फंक्शनिंग इन रिमूविंग ऑफ CO2 फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 का रिमूवल करवाती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बेरी बेरी कोज करती है, ठीक है, या फिर मसल की वीकनेस करवा देती है। अगर बर्ड्स के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर नर्व इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पोलिन्यूरिटिस। देन B2 राइबोफ्लाविन, ह्यूमन्स के अंदर कंपोनेंट होते हैं कोएंजाइम का FAD एंड FMN, इसेंशियल होती है ग्रोथ के लिए, फूड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एपिथीलियम और जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, स्किन लेजन्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रैक्स होते हैं माउथ के कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, येलो लिवर डिजीज हो जाती है। चिक्स के अंदर क्या होता है, कर्ल्ड टो पैरालिसिस ओकर हो जाती है, ठीक है, उनके जो पैर हैं वो कर्ल हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है एक टाइप से। देन B3 निकोटिनिक कंपोनेंट ऑफ
एनएडी, जो एनएडी है, एनएडी पॉजिटिव और एनएडीपी पॉजिटिव, इनका कंपोनेंट होता है जो B3 विटामिन है। ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पेलिग्रा डिजीज हो जाती है जिसके अंदर स्किन है वो रेड हो जाती है, सोर हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, या फिर ओकेजनली जो स्मॉल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर। मंकी के अंदर भी इसके अंदर क्या होता है, मेंटल डिस्टरबेंस हो जाती है अगर B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। B5 को एंजाइम ए का जो है वो कंपोनेंट होती है। डेफिशिएंसी जो है वैसे तो रेयर होती है इसकी, बट इट ओकर्स, इसके वजह से इंसोमिया हो जाता है, फटीग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वोमिटिंग, स्टमक पेन, बर्निंग फीट, ठीक है, पैरों के अंदर जो है वो जलन होती है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर B5 की, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होती है तो। देन B6 पाइरिडॉक्सिन को एंजाइम होता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो विटामिन B6 है इसके अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ह्यूमंस के अंदर एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये देख लेना तुम लोग, काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। B7 जो है वो बायोटिन को एंजाइम होता है फैट या ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के अंदर या अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर, जो B7 है वो एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है, स्केली स्किन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नोजिया होता है रेट के अंदर और चिक्स के अंदर, क्या डर्मेटाइटिस कोज करता है, थिकनेस हो जाती है स्किन की, इस तरह से क्या होती है जो डेफिशिएंसी है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। जो सिंथेटिक एबिलिटी होती है विटामिन की वो वेरी करती है अलग अलग एनिमल्स के अंदर, हमने पहले भी देखा था सिंथेटिक एबिलिटी और सिंथेटिक डिसेबिलिटी दो टर्म्स है, यानी कि सिंथेटिक एबिलिटी क्या है कि वो कितना उसको सिंथेसाइज करवा पाता है बॉडी के अंदर, डिसेबिलिटी क्या है कि वो सिंथेसाइज नहीं करवा पाता है। अब जो विटामिन की जो सिंथेटिक एबिलिटी है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप से है, कोई एनिमल क्या है वो ज्यादा वो करवा देता है, इसके विटामिन की प्रोडक्शन करवा देता है, कुछ ऐसे हैं जो कि कम करवाते हैं, बहुत सारे मैमल जो है वो सिंथेसाइज करवाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को, बट ह्यूमंस और जो गुनिया पिग है वो नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। तो ये जो नहीं करवा पाते हैं ये क्या है, इनके पास विटामिन सिंथेटिक डिसएबिलिटी है, मतलब ये डिसेबल है, ये एस्कॉर्बिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं करवा पाते हैं। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज विटामिन के एंड B12, इसीलिए क्या होता है हमारा जो इंटेस्टाइन है, हम हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि वो हमें विटामिन के या B12 दे, क्योंकि उनके अंदर वो सिंथेसाइज करवाने की एबिलिटी नहीं है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं लाइक A, D, E एंड K, वो स्टोर्ड होते हैं फैट डिपॉजिट ऑफ द बॉडी, बट विटामिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि B और जो C वाले हैं, ये जो विटामिन जो थे फैट सोल्यूबल थे वो क्या होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल हैं उन्हें बार बार सप्लाई करना होता है बॉडी से, क्योंकि वो क्या होंगे, मतलब जो वाटर सोल्यूबल है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, सोल्यूबल होने के बाद क्या होंगे, यूरिन के थ्रू वो क्या होता है बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो बॉडी से पास आउट हो गए हैं तो B और C विटामिन जो है वो हमें चाहिए तो बॉडी में, इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं होने दे सकते हम, तो इसलिए ये जो विटामिन है ये हमें फूड से रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो थे विटामिन्स, विटामिन्स के भाई नाम, उनका फंक्शन, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या अफेक्ट करते हैं, ये चीजें तुम अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इफ यू टॉक अबाउट द मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैलेंस डाइट जो है उसके अंदर मिनरल भी होने चाहिए और विटामिन्स भी होने चाहिए, ठीक। तो मिनरल्स क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो फॉर्म होती है एलिमेंट के अंदर आयंस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एंड आर नीडेड थ्रू नॉट डाइट इन स्मॉल अमाउंट फॉर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, मतलब जो मिनरल्स हैं उन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर ही नहीं सकती है, वो हमें डाइट से ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। और वो स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, हमें बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए होते हैं, जो एनिमल्स हैं वो डाइट से ही ऑब्टेन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट मिनरल्स की, ठीक है। कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि नीडेड होते हैं स्लाइटली लार्जर अमाउंट में, वैसे तो हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्लाइटली लार्जर मतलब थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या फिर मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमें थोड़ी से ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और एज यूजुअल मिनरल्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है तो वो हमें बाहर से ही लेने होते हैं। अब ये जो नेसेसरी होते हैं एनिमल बॉडी के लिए वो ऑब्टेन होते हैं डाइट से,
इसीलिए इन्हें इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसेंशियल का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी हमें सिंथेसाइज करवा के नहीं देगी, वो हमें फूड से लेने पड़ेंगे। अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 200 mg पर डे, कम से कम 200 mg पर डे तो हमें चाहिए ही होता है अडल्ट बॉडी के अंदर। अगर इन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हो जाती हैं, फिटल हो जाती हैं, मतलब कि सिचुएशन डेथ तक आ सकती है। मान लिया कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि इसेंशियल है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स के अंदर। मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारी कैल्शियम की वजह से है। अबाउट विच यू विल लर्न, ओके ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एन इसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन्स। अब ये क्या है, हमारे जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी चाहिए, बोन्स हमारी वो भी कैल्शियम से बनी हुई है, ठीक है। तो अगर इनकी कमी हो जाती है तो इंसान कब तक ही जिंदा रह पाएगा, ठीक है। जो सोडियम और जो पोटेशियम है वो एब्सोल्युटली इसेंशियल होते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो इस तरह से जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं भाई। ये थोड़ा तुम पढ़ लेना। इफ यू टॉक अबाउट द वॉटर, वॉटर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सारे लिविंग टिश्यूज का, जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है, सबने सुना है, ठीक है। इट फॉर्म्स अप टू 95% ऑफ फ्रेश वेट ऑफ द सम एनिमल्स। मतलब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनका 95% वेट जो है वो सिर्फ वाटर की वजह से होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वाटर है वो इवेपोरेशन से लॉस हो जाता है, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस से, स्वेटिंग से, एक्सक्रेशन से, जो वाटर है वो हमारी बॉडी से लॉस होता रहता है। वाटर मस्ट देयरफॉर बी रिप्लेनिश्ड मेनली बाय ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द फूड इन द स्मॉल क्वांटिटीज बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी लाइक सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि जो वाटर है ऑब्वियसली हम खाने से बहुत कम अमाउंट में जाता है, हम खाने में डालते तो हैं पर वो इवेपोरेट वैसे ही हो जाता है खाना बनते टाइम। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वाटर है हम ड्रिंकिंग से लेते हैं, ठीक है। अब वो जो ड्रिंक्ड वाटर है वो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होता है, जैसे कि अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन चल रहा है, फैट का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, इनका बनाना हो रहा है, टूटना हो रहा है। तो हर जगह जो H2O है वो बहुत ज्यादा ही यूज होता है। इसलिए कहते हैं भाई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक तुम मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ नया टॉपिक शुरू करवाऊँ। नहीं करवा देते हैं, ठीक है छोड़ो बाद में करेंगे। फीडिंग मैकेनिज्म इन द एनिमल्स। अब देखो हमने देखा ये तो सारे थे हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ले भी लिया बॉडी के अंदर, अब उसके बाद जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनका मैकेनिज्म तो अलग अलग है। हम खाते हैं प्लेट में डाल के अच्छे से सजा के, ठीक है। अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करेगा, अपने शूडोपोडिया निकालेगा, यहाँ से इसको गटक लेगा अपने अंदर, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप का जो है फीडिंग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो फूड इनटेक जो होता है वो ऑब्टेन करता है एनर्जी के लिए, बॉडी की बिल्डिंग के लिए एनर्जी के अंदर। इंजेक्शन जो होता है एनिमल्स का वो फीडिंग मैकेनिज्म होता है। लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आफ्टर इंजेक्शन इंजेक्शन हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट बिफोर दे कैन बी यूज बाय द बॉडी। यानी कि बॉडी को यूज करने से पहले जो भी खाना हमने खाया है उसको छोटे छोटे और सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ना होता है। सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनके पास अलग अलग सक्सेसफुल मेथड होते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं अपने एनवायरमेंट से, इसीलिए अलग अलग फीडिंग मेथड शो करते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ, इसमें देख लेते हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अलग अलग टाइप की फीडिंग वो शो करते हैं। जैसे कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे है फूड का टाइप ही, किस टाइप का फूड है, स्मॉल पार्टिकल है, फीडिंग मेथड क्या होगा। जो अमीबा या जो रेडियोलेरियंस हैं वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बना लेते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे स्मॉल पार्टिकल को वो डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें सीलिएट्स के अंदर, जैसे कि पैरामीशियम, स्पॉन्जेस, बाइवेल्स, टेडपोल्स, ये क्या करते हैं, सीलिया का यूज करते हैं। म्यूकस ट्रैप का यूज कौन करता है, गैस्ट्रोपोड्स या ट्यूनिकेट्स जो है वो यूज करते हैं। टेंटिकल्स जो हैं, टेंटिकल्स का यूज कौन करता है, सी क्यूकम्बर करते हैं। फिल्टर फीडिंग को यूज करते हैं एनिलीड्स, मोलस्क, स्मॉल क्रस्टेशियन, हियरिंग, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम रखे लिखे हुए हैं जो कि स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्टर फीडिंग के थ्रू यूज करते हैं। मतलब कि ये जो अलग अलग मेथड हैं फीडिंग के, ये वो एनिमल्स हैं जो कि इन मेथड्स को यूज करते हैं और ये फूड का अलग टाइप है। अगर हम बात करें लार्ज फूड मैसेस की, तो इंजेशन होता है इनएक्टिव मैसेस का। टेट्रिटस फीडर्स या अर्थवर्म क्या करते हैं, इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब क्या है, वो डेड या डिकेड मैटर है, ठीक है, उसको इंजेस्ट करते हैं जो अर्थवर्म वगैरह हैं। अगर वहीं पे बात करें स्क्रैपिंग, चूइंग एंड बोरिंग, मतलब कि किसी चीज को
टुकड़ों में तोड़ना, उसको चबाना, उसको निगलना, ऐसी जो चीजें कौन करती है, सी अर्चिन है, स्नेल है, इंसेक्ट है, या वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इस मेथड को फॉलो करते हैं, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग ऑफ प्रे, मतलब कि सीधा पकड़ा और उसको निगल लिया। ये कौन फॉलो करते हैं, सिलेंट्रेट्स होती हैं, फिशेज होती हैं, स्नेक होती हैं, बर्ड बैट्स, बट ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सीधा पकड़ा और उसको निगल लिया, कोई चबाना वबाना कुछ नहीं करना है। आफ्टर दैट चूइंग एंड स्वेलोइंग, मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, चबाते हैं और उसके बाद निगलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यूज, इनका कैसे होता है, सकिंग प्लांट सैप नेक्टर, मतलब कि जो नेक्टर वगैरह है उनको सक करते हैं, कौन करते हैं, एफिड्स हैं, बी हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, सक करते हैं। देन इंजेक्शन होता है ब्लड के थ्रू, लीचेस, टिक्स, लाइस, इंसेक्ट, वैम्पायर बैट्स, ये क्या करते हैं, खून पीते हैं। तो वो क्या है, वो फ्लूइड है, ठीक है, तो वो इंजेक्शन करते हैं सीधा ब्लड में से, सीधा का सीधा डायरेक्ट निकल लेते हैं। अब आता है सकिंग मिल्क और सिमिलर सिक्रेशन, मतलब सक करना, जैसे कि यंग मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ये मिल्क की सकिंग करते हैं। एक्सटर्नल डाइजेशन, स्पाइडर्स, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल अपटेक थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स फ्रॉम द होस्ट मीडियम इन विच दे लिव, पैरासाइट या टेप वर्म, वहां से ये इस तरह का मेथड यूज करते हैं। देन डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस को कैसे लेंगे, डाइल्यूशन बनाएंगे सॉल्यूशंस का और उसके बाद लेंगे। ये कौन होते हैं, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, सिम्बायोटिक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, इंट्रासेलुलर सिम्बायोटिक एल्गी, स्पॉन्जेस, कोरल, हाइड्रा, फ्लैटवर्म एंड कॉल्म, ये कुछ इस तरह से यूज करते हैं। तो ठीक है, ये कुछ फीडिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये तुम रट लेना, याद कर लेना जैसे भी हो, क्योंकि अभी एक एक को बहुत ज्यादा डीप में समझाने का टाइम बहुत कम है, अगर ऐसा करने लगे तो हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे गाइस, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेशन इन द एनिमल्स, डाइजेशन का मैं एक एक लाइन नहीं उठा रही हूँ, ताकि हम जो टॉपिक हमें आगे करने हैं हम उन पे पहुंच जाएं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तुम्हें बस एक रिविजन की जरूरत आई थी। अब डाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है बाय विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड बाय द बॉडी, यानी कि जो फूड हमने लिया है उसको बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो सके और उससे हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी ले सके। पहला, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इंटू द न्यूट्रिएंट। सबसे पहले जो भी हमने खाया है, या तो हम उसपे कुछ केमिकल्स डालें या हम उसपे कोई फोर्स लगाएं, किसी चीज से तोड़ें, लेकिन हमें उसमें से तोड़ के हमें न्यूट्रिएंट निकालने हैं। अब चार मेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के अंदर, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट होते हैं, ठीक है। इनको क्या करा जाता है, ब्रेक डाउन करा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देंगे, प्रोटीन्स को क्या करेंगे अमाइनो एसिड में तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे सिंपल शुगर्स में तोड़ देंगे, फैट को हम करेंगे फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तोड़ लिया, अब उसके बाद इनको क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर आल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग द डाइजेशन। अब डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इन चीजों को भी निकाला जाता है फूड से। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या आप लोगों को समझ में आई, बताओ बताओ। लकी प्रिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइजेशन एंड हाउ इट इज टेक प्लेस? हाँ मैम, ओके, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। नाउ देखो, डाइजेशन है वो क्या है, इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। जब डाइजेशन है वो विद इन सेल होता है तो वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और अगर डाइजेशन सेल से बाहर हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये किसका क्वेश्चन है भाई, गुड इवनिंग, आई हैव वन क्वेश्चन मैम, मैं पीजी का कोर्स कर रही हूँ इग्नू से, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्लास लगती है क्या? भाई इस कोर्स में क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ ये मैसेज किसका है, बबीता के? बबीता आपके कोर्स में मतलब कौन से सब्जेक्ट है? बबीता आप अनम्यूट करके बता सकते हो? यस मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग बबीता। मैम। यस मैम, मैं बीएजी का कोर्स कर रही हूँ, मतलब बीए का कर रही हूँ जनरल से। हाँ ओके, बीए का? जी, तो देखो बीए की क्लासेस लगती तो हैं पर अभी वो कंटिन्यूटी में नहीं है। आप ग्रुप, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना? आप
नहीं, एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ इसका लिंक आता है और कुछ भी नहीं पता चलता उसमें। एक्चुअली हमारी बीए की क्लासेस चलती हैं, बट वो ड्यू टू कुछ रीजन की वजह से वो अभी थोड़ा सस्पेंड है, बट जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं तो आपको सेम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी मैम, बट अभी तो एग्जाम भी आने वाले हैं तो। यस, हम बिल्कुल समझते हैं आपकी समस्या को, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो। उसके लिए आप मतलब सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास? मेरे पास है हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और एजुकेशन। ओके, करवाते हैं इनकी क्लासेस। मेनली आपको हिंदी वगैरह में तो आई डोंट थिंक इश्यू वगैरह होते होंगे, इंग्लिश, ईवीएस या एजुकेशन इस टाइप में कुछ है ना? मैम हाँ जी करवाते हैं कुछ ना कुछ कविता। हाँ, हम आपको मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है। यस मैम, थैंक ओके, सो ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन जो यू। है वो कोई कुछ और बोल रहा है? गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, आपको कुछ बोलना है या मैं कंटिन्यू करूं? मैम कंटिन्यू करिए। ओके ठीक है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? वो स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब कि बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, सेल से बाहर हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव ट्रैक्स होते हैं। हम कंसीडर करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को, और किस तरह से वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से अलग है। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को इंट्रा सेलुलर डाइजेशन से, जैसे कि जो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेपरेट एलिमेंट्री केनाल सिस्टम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सेल के एक सिंगल सेल उनकी बॉडी है, ठीक है, एक सिंगल सेल बॉडी है, उसी के अंदर वो क्या करेंगे, फूड को लेंगे और अपनी सेल के अंदर ले जाएंगे और वहां पे उसको डाइजेस्ट कर देंगे ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरह से जो ये क्या ही है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एनगल्फ कर लेते हैं। और अगर वही हम बात करें, हमने देखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है और वो किस तरह से डिफर करता है, ये तो बात दे रखी है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की। देखो जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल है, इसने क्या करा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, अमीबा ने अपने सूडोपोडिया बनाए, फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। यहाँ पे इसने क्या करा, जैसे ही फूड को इसने यहाँ लिया, इसने एक फूड वैक्यूल बना लिया। देखो ये इसकी बॉडी के अंदर जाके एक वैक्यूल के अंदर चला गया, ये रहा यहाँ पे जो फूड वैक्यूल बन गया। अब ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, इसके अंदर ही जो फूड था वो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसी मेम्ब्रेन के अंदर डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद जब इस वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद इस मेम्ब्रेन से जो है ये बाहर निकलेगा डाइजेस्टेड फूड। मान लो अगर इसके अंदर डीएनए था, तो डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स में टूट गया है। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स इस बॉडी से निकलेंगे। अगर इसके अंदर प्रोटीन था, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट गया है, उसके बाद इस फूड वैक्यूल से निकलेगा। इस वैक्यूल से निकल के बॉडी के अंदर अब्सॉर्प्शन होगा, अब्सॉर्प्शन हो गया फिर होगा एसिमिलेशन होगा, मतलब वो जो अमाइनो एसिड्स बने हैं वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में फैल गए हैं। आफ्टर दैट जो भी अनडाइजेस्टेड बचा हुआ था वो यहाँ इसके आसपास पड़ा था, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड था उसको इसने बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से क्या है, ये तो था इंट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, वो होता है एलिमेंट्री केनाल के थ्रू। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो ट्यूबुलर एक्टिविटी होती है। ट्यूबुलर एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक ट्यूब इंक्लूड होती है जो कि बॉडी की पूरी लेंथ से जाती है। अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ से हमारी जो बकल कैविटी है अगर वो शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ से हमारी बकल कैविटी शुरू हुई है, यहाँ से जाके उसके बाद जो ईसोफेगस चली गई, यहाँ पे हमारा स्टमक बन गया, ठीक है, स्टमक से जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे भी जाके फाइनली एनस। तो ये जो हमारी बॉडी है ये क्या है, ये पूरी ठीक है, तो ये बिल्कुल एनस, तो मतलब कि ओवरऑल ये पूरी लेंथ से थ्रो आउट हो रही है, तो एक्सटेंड कर गई। अगर हम दूसरे एनिमल्स के अंदर बात करें, फाइलम जैसे प्लेंटी हेलमिंथीज के अंदर फ्लैट वर्म्स आते हैं, तो उनकी बॉडी जो बेचारों की कुछ इस तरह से होती है, ट्यूबुलर बॉडी होती है। तो एलिमेंट्री केनाल क्या होती है, दोनों साइड से ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से माउथ है, यहाँ से एनस है। तो एलिमेंट्री केनाल क्या है, बोथ साइड से ओपन है, तो डेवलपमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है स्मॉल पार्टिकल्स का फीडिंग, मतलब कि खाया डाइजेस्ट हुआ निकाल दिया, खाया डाइजेस्ट हुआ निकाल दिया, ठीक है। एनिमल्स कुड नाउ क्विकली इंजेस्ट अ फ्यू लार्ज चंक ऑफ फूड। अब इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो थोड़ा बड़ा जो फूड है वो भी खाना शुरू कर दिया है,
ओवरऑल जो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, अलो करती है फूड को ट्रेवल इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें, अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड का डाइजेशन होता है, जैसे कि हमें पता है ठीक है, कुछ पार्ट जो है वो फैट को एब्जॉर्ब करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, कहाँ पे प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, कहीं पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का होता है, इस टाइप से स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। वो फूड जो है वो ऑलवेज एक डायरेक्शन से चलता है, ठीक है, डायरेक्शनल होता है। तो अगर हम जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक की बात करें मेटाजोअन्स के अंदर, तो चार पार्ट में डिवाइडेड होता है मेजर फंक्शंस। पहला होता है रिसेप्शन रीजन, देन कंडक्शन एंड स्टोरेज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, देन फोर्थ वन इज द कंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ विसेस। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ आज की क्लास में हम यहीं तक कर लेते हैं, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना कल वाली क्लास में हम ये चारों स्टेप्स पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल में रिसेप्शन रीजन से, मतलब कि ऑब्वियसली जहां से फूड हमारा स्टार्ट कर रहा है उसकी जर्नी, एंड एट द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस तक। ठीक है, ये चारों स्टेप हम करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताए। कैश क्या बात है, लेट आए हो। जी मैम, एक्चुअली ना